और आपने अपना पूरा ख्याल रखना है। आप भी अपना बहुत ख्याल रखिएगा और गाड़ी आहिस्ता से चलाइएगा, मैं आपको बाहर तक सी। नो, आप बैठ, मैं चला जाऊंगा। खुदा हाफिज। बाय। आप खुश हैं? बेइंतहा, हमेशा खुश और आबाद रहे। आमीन। सज्जल, तुम्हारे अबू का फोन आया था, शाम में तैयार हो जाना। खैरियत, कोई आ रहा है रात में? इरा के मां बनने की खुशखबरी है, मुबारकबाद देने के लिए जाना है हम लोगों को वहां। क्या, ऐसे कैसे हो सकता है इतनी जल्दी? अब मेरा मतलब है कि कितनी खुशी की बात है ना अम्मी। हाँ, बात तो वाकई बहुत खुशी की है। अब तो इरा के कदम और भी ज्यादा मजबूत हो जाएंगे उस घर में। शहीर तो वैसे ही उसके आगे पीछे घूमता था, अब तो और भी दीवाना हो जाएगा उसका। कब तक जाना होगा शाम में, ताकि मैं उस हिसाब से तैयार हो जाऊं? भाई, ऐसे वक्त जाएंगे कि शहीर भी घर पर हो, उसे भी तो मुबारकबाद देनी है ना। तुम्हारे अबू के कपड़े हैं, जरा इस्त्री कर देना। कहाँ गुम हो? तुमसे कुछ कह रही हूँ मैं, कि तुम्हारा ध्यान कहाँ है आज? जी, मोहब्बत करना ना कोई जुर्म है और ना उसकी तकमील, और अगर आज तुमने इरा से नजरें मिलाना नहीं सीखी तो उसे शक करने का मौका खुद दोगे। आप कुछ भी कहें, मैं इरा को बिल्कुल फेस नहीं कर सकती। और अगर उसने पूछा कि मैं आपके साथ क्यों आई, तो उसका जवाब है मेरे पास, लेकिन अगर उससे मिले बगैर अपने घर चली गई तो अपने वालदैन को क्या जवाब दोगी? तुमने सोचा ही नहीं था। मैंने सोचा था, इसीलिए तुम्हारे रास्ते की हर रुकावट हटाना अपना फर्ज समझता हूँ। तुमसे ज्यादा तुम्हारा एहसास है मुझे सज्जन, ट्रस्ट मी।